धौलपुर शहर के मंचकूट के पास स्थित गुरुद्वारे पर सिखधर्म के छठ में गुरु गोविंद सिंह की याद में शेर शिकार मेले का आयोजन शुरू किया गया। सिखधर्म के मुताबिक आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने शेर का शिकार किया था। इसी को लेकर शेर शिकार मेले का आयोजन हर वर्ष गुरुद्वारे पर किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन किए गए, लंगर लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। 4 मार्च को इस पवित्र स्थान से आए और पवित्र स्थान से आने के नाने 1612 शेर का शिकार किया। वो शेर जिहड़ा सी काले यमन की आत्मा थी, जिन्हों कृष्ण भगवान महाराज जी ने मचकंद कोलों भस्म करवाया। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अपनी मील को बंद करते समय मील संचालिका और उनके यहां काम कर रहे मजदूरों पर हथियार तानकर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और मील से करीब 1.25 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर जांच शुरू कर दी है। बैठे हुए थे क्या? नहीं, नहीं, हम दुकान बढ़ा रहे थे। अच्छा, तो लेबर को छुट्टी कर दी थी। हां, उसको डायरी में नोट करना पड़ता है। ठीक है, हमारे लड़के ने कंप्यूटर वाले ने नोट कर दिया। ठीक है, बस निकाल ही रहे थे 5 मिनट। काम कराला ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारवा खेल को तरस रहे खेल मैदान स्टेडियम के चारों तरफ कटीली झाड़ियों से घिरा खेल मैदान ग्राम पंचायत की अनदेखी का शिकार हो रहा है। खेल मैदान व स्टेडियम ग्राम पंचायत के द्वारा निर्मित 8 लाख राशि के करीब से बना खेल स्टेडियम जो स्कूल के पास बना हुआ है, जहां बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी, धीरे धीरे बरसात के मौसम के बाद बम्बुल की कटीली झाड़ियां होने के कारण जर्जर अवस्था में आ रहा है। मौजूद ग्रामीण युवाओं ने सरपंच ग्राम पंचायत से अवगत करवाया है, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। भातसोड़ा कस्बे में चारभुजा मंदिर परिसर में विराजमान नंदी बेल को दूध जल चम्मच से पिलाते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं और देखते ही देखते भारी संख्या में महिलाएं मंदिर प्रांगण में दूध जल पिलाने पहुंची। इस दौरान पुजारी ने मध्य प्रदेश के पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा भागवत कथा महाशिव पुराण के दौरान ऐसा करने की बात बताई, जिसको लेकर महिलाओं द्वारा मोबाइल के माध्यम से इसी बात करने व सूचना देने पर अलग अलग स्थानों पर महिलाएं महादेव मंदिर में जल और दूध लेकर पहुँच रही है। आजकल क्या है, वो एमपी में कथा चल रही है महाशिव पुराण की, उसमें वो पंडित जी है प्रदीप जी मिश्रा जी, वो बता रहे हैं कि मतलब ऐसा करने से ऐसा हो। मैं भी घर पर बैठी थी, 2-3 जनों ने आके बोला मुझे भी, नंदी जी पानी पी रहे, तो मैं भी देखने आई, चलो देखे पी रहे नहीं पी रहे। मैं भी कटोरी और पानी लेके आई नंदी जी के, लेकिन उन्होंने भी मेरे हाथ से भी पानी पिया है, आधा नीचे गिरा है लेकिन आधा उन्होंने पानी पी। कि चित्तौड़ जिले के अंदर एक बासोड़ा गाँव है, बासोड़ा गाँव के अंदर एक चारभुजा जी का मंदिर है। मंदिर में आज लोगों ने दूर दूर से मोबाइल पे संपर्क किया, टीवी के माध्यम से संपर्क किया, लोगों ने बताया है कि एमपी के अंदर एक महाराज अपनी भागवत कथा कर रहे हैं, उसको कथा के वाचन के माध्यम से नदी के मंडावरा ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशों की पालना में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत में सरपंच यारसीलाल गुर्जर ने की। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति सदस्य पवन देवी वर्मा मौजूद रही। विद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य महबूब अली ने अपने उद्बोधन में विद्यालय में पधारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय परिवार की ओर से पूर्व विद्यार्थियों भामाशाह का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत ने विद्यालय में इंटरलॉक व सड़क का निर्माण कराने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। पंचायत समिति सदस्य पवन देवी वर्मा की ओर से पुराने हॉस्टल की मरम्मत के लिए लगने वाली रकम को सरकार से दिलाने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय में उपस्थित भामाशाहों द्वारा विद्यालय विकास के लिए 55,000 देने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर ग्राम के समाजसेवी दीनदयाल बोहरा, ग्राम पंचायत वार्ड पर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ओसिया में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से महिलाओं के साथ घटित अपराधों के संबंध में सूचना हेतु योजक कड़ी के रूप में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया। उक्त समूह की मीटिंग पुलिस थाना ओसिया में पदाधिकारी नूर मोहम्मद व थानाधिकारी बाबूराम डेलू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मीटिंग में ओसिया थाना क्षेत्र सात इन सदस्यों ने भाग लिया, जिनसे उसके गांव में घटित महिला संबंधी अपराधों व सामाजिक बुराइयों के संबंध में पुलिस को सूचित करने तथा सहयोग करने के संबंध में जानकारी दी गई। मीटिंग में महिला व बाल टेक्स प्रभारी बाबूलाल, सहायक उप निरीक्षक व महिला हेड कांस्टेबल सुखी मौजूद रहीं। थानाधिकारी बाबूराम डेलो ने बताया कि सुरक्षा सखी के रूप में थाना क्षेत्र के कोई भी बालिक महिला व नाबालिग बालिका सदस्य बन सकती हैं व अपराध के संबंध में थाने पर सूचना दे सकती हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य बस स्टैंड पर अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रुक्ष्मणी कुमारी को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड में सदस्य नियुक्त होने पर पार्षद राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण बोर्ड सदस्य को सदस्य बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान फूलमाला दुकानदारों ने रुक्ष्मणी कुमारी पर पुष्प वर्षा और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। नोहर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने पर विधायक अमित चाचण का नागरिक अभिनंदन किया गया। चिकित्सालय परिसर में आयोजित हुए समारोह में मिशन स्वास्थ्य सेवा समिति के संरक्षक हनुमान प्रसाद व्यास और अध्यक्ष एडवोकेट के एल मित्रुका ने विधायक को साफा पहनाकर और चांदी से निर्मित अशोक स्तंभ भेंट कर उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। इसी मौके पर चिकित्सालय परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 26 लाख की लागत से बने वाले 20 बेड के वार्ड की नींव विधायक अमित चाचण द्वारा रखी गई। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक अमित चाचण ने चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोत करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इलाके से बनने वाले 20 बेड के वार्ड का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय घोषित होने पर मिशन स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा नागरिकों द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। मैं नौ नागरिकों की तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इन्होंने लगातार बजटों में नेवरिया ग्राम पंचायत के लुकड़ी गांव में मुखबिर से सूचना पर एक खेत में बोई गई अवैध अफीम की खेती को पुलिस टीम द्वारा जब्त कर मौके से खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक सरसों की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि सूचना पर टीम गठित कर मौके पर खेत मालिक रामलाल पुत्र गोकुल बेरवा से अफीम खेती के लाइसेंस के बारे में जानकारी ली गई। लाइसेंस नहीं होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। साथ ही थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने अफीम के पौधे उखाड़ कर वजन किया जो कि 104 किलोग्राम पाया गया। गिनती में पौधों की संख्या 2931 पाई गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच अकोला थाना अधिकारी उकार सिंह को सौंप दी है। उपखंड क्षेत्र के रायसर कस्बे के देवी तला गांव में पहाड़ियों पर स्थित बाकी माता मंदिर में 7 दिवसीय लखी मेले का शुभारंभ हो चुका है। मेले में दूर दराज व आसपास के गांवों से कई पद यात्राएं गाजे बाजे के साथ मंदिर में पहुंच रही हैं। इस दौरान मंदिर मार्ग पर ग्रामीणों के द्वारा पदयात्रियों की जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष नरसिंह मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में नहीं पहुँच रहे थे। अब सरकार द्वारा पाबंदी हटाने से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोषाध्यक्ष कैलाश मीणा ने बताया कि बाकी माता का मुख्य मेला 10 मार्च को आयोजित होगा। इससे पहले 9 मार्च को मुसारणा भैरव मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा। 11 मार्च को मुख्य बाजार में गुदड़ी के मेले के साथ 7 दिवसीय मेले का समापन होगा। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमवारामगढ़ CEO शिव कुमार भारद्वाज व रायसर थाना प्रभारी रामधन सड़ेवाल ने कानून व्यवस्था का जायजा लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विराटनगर की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला योगी को हाल ही में गहलोत सरकार ने उन्हें विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिस पर उर्मिला योगी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ CMR पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागर पारा चेक पोस्ट के नजदीक बीती रात सड़क किनारे खड़ी फसल काटने वाली मशीन को आगरा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 55 वर्षीय अधेड़ घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है।
Thank you.